डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। टुडेज टॉपिक DIC यानी नसों में थक्का जमना, थक्कों का जमना अलग अलग भागों में। DIC इज कैरेक्टराइज बाई सिस्टमेटिक एक्टिवेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन विच रिजल्ट इन जनरेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ फाइब्रिन, यानी फाइब्रिन का जमा होना जो जनरेशन के हिसाब से होता है। लीडिंग टू माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बी इन वेरियस ऑर्गन्स कंट्रीब्यूटिंग मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। या तो ये जो माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बी के कारण जिसमें कई वेरियस ऑर्गन होते हैं, कई ऑर्गन होते हैं, और जो MODS यानी मल्टीपल डिसफंक्शन के कारण भी ये कंडीशन डेवलप होती है जो बोलते हैं डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया DIC एक क्लिनिकल पैथोलॉजी सिंड्रोम चेक्ट बाय वाइड स्प्रेड इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन फॉर्मेशन, यानी फाइब्रिन का फॉर्मेशन होना इन रेस्पॉन्स ऑफ एक्सेस ब्लड प्रोटीएज एक्टिविटी एंड ओवरकम्स और नेचुरल एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म। कॉज में क्या क्या होता है? पहला है इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक दो भागों में काटा गया, दोनों के कॉज अलग अलग हिसाब से होंगे। पहला इन्फेक्शन बैक्टीरियल, जैसे कि ग्राम नेगेटिव, सेप्सिस, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, रिकेटिशियल। वायरल में एग्जाम्पल HIV, साइटोमेगोलो वायरस, CMV, वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV एंड हेपेटाइटिस वायरस। फंगल में इस्टोप्लाज्मा, पैरा सिटिस एग्जाम्पल मलेरिया। मेलिग्नेंसी हेमेटोलॉजिकल एग्जाम्पल एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, मेटास्टेटिक एग्जाम्पल म्यूकोसिन सिक्रेशन, एडेनोकार्सिनोमा, ऑस्टेटिक प्लेसेंटा एब्सॉर्प्शन, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एक्यूट फैटी लीवर एंड प्रेगनेंसी एक्लेम्पसिया। ट्रॉमा बर्न्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, स्नेक इनवॉल्वेशन, ट्रांसफ्यूजन हेमोलाइटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन अदर में लीवर डिजीज, एक्यूट हेपेटिक फेलियर, प्रोस्टेटिक डिवाइस सन्स जिसमें डेनवर और लिविन वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अब है क्रॉनिक DIC मेनिंजाइटिस, सॉलिड ट्यूमर्स ल्यूकेमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंड डेथ फीटस सिंड्रोम, रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, हेमेटोलॉजिकल मायोप्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम, वेस्कुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेमिनेंट डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फ्लेमेटरी अल्सर कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, सार्कोइडोसिस। लोकलाइज DIC ओर्टिक एन्यूरिज्म, जेंट हेमेटोगोमा यानी कस्साबेस मेरिट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, एक्यूट रीनल एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। ये सिम्टम्स है एक्यूट और क्रॉनिक के हिसाब से। अब सेप्सिस बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, ग्राम नेगेटिव, वायरल, माइकोलिटिक, माइकोटिक, पैरासिटिक और रिकेट्सियल। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? एक्यूट हिमोलाइटिक ट्रांसमिशन रिएक्शन होता है, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट रिएक्शन होता है, ग्राम वर्सेस होस्ट डिजीज होता है। ट्रॉमा एंड टिश्यू इंजुरी, ब्रेन इंजुरी, गनशॉट, एक्सटेंसिव बर्न, फैट एम्बोलिज्म, रिहेबेटोमायोलिसिस। ड्रग्स फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स एप्रोटीन, वर्फेरिन स्पेशली नियोनेट्स विद प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसर्टेस, रिक्रिएटेशन ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामाइंस है। अब वैस्कुलर डिसऑर्डर में जैसे जेंट हीमोजेनेसिस यानी कच्चा मेरिट सिंड्रोम, लार्ज वेसल्स एन्यूरिज्म और इन्वेशंस में स्नेक और इंसेक्ट्स के कारण भी ये कंडीशन डेवलप होती है यानी काटने की। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब्रप्टिव प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, डेथ फिटस सिंड्रोम, सेप्टिक एब्जॉर्प्शन। लीवर डिजीज में फुलफिलमेंट, हेपेटिक फेलियर, सिरोसिस, फैटी लीवर, प्रेगनेंसी। कैंसर में एडिनोकार्सिनोमा, प्रोस्टेट एंड पेनक्रियास। हेमेटोलॉजिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट पायरोलाइटिक ल्यूकेमिया, शॉक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मैसिव ट्रांसफ्यूजन। पैथोफिजियोलॉजी डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC, अनकंट्रोल्ड थ्रोम्ब जनरेशन, फाइब्रिन डिपॉजिट इन माइक्रो सर्कुलेशन, कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर, देन फेलियर मल्टीपल ऑर्गन, इसेमिक टिश्यू एंड रेड ब्लड सेल डिमेज और हिमोलाइसिस। फाइब्रिन डिपॉजिट इन माइक्रोप्लेशन क्या होता है? सेकेंडरी फाइब्रोलाइसिस होता है जिसके कारण से क्या होता है? वेसल पेटेंसी एंड PDP ऑफ डीमर, देन डिफ्यूज ब्लीडिंग होती है और क्या होता है कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट एंड कोगुलेशन फैक्टर जो के कारण ये होता है लास्ट। यानी डिफ्यूज ब्लीडिंग के जो मेन पैथोफिजियोलॉजी है DIC अनकंट्रोल्ड थ्रोम्बिन जनरेशन में, फाइब्रिन डिपॉजिट इन द माइक्रो सर्कुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट एंड कोगुलेशन फैक्टर।
हैवे इंक्रीज थ्रोम्बिन जनरेशन मेडिकेशन प्रोमिनेंटली बाय टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर वाया पैथवे इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट पाथवे पहला है रिडक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन लेवल्स द रिजल्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज कंजप्शन एंजाइम्स डिजेनरेशन इम्पेयर्ड लीवर सिंथेसिस एंड वैस्कुलर लीकेज डिप्रेस ऑफ प्रोटीन सिस्टम द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इंक्रीज कंजप्शन इम्पेयर्ड लीवर सिंथेसिस वैस्कुलर लीकेज और डाउन रेगुलेशन ऑफ थ्रोम्बोलिज्म इनसफिशियंट टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर इम्पेयर्ड फाइब्रोसिस मेडिकेटेड बाय रिलीज ऑफ प्लाज्मोजन एक्टिवेटर्स फ्रॉम एंडोथेलियम सेल्स इमिडिएटली फॉलोड बाय द इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल प्लाज्मोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप एक्टिवेशन ऑफ इंफ्लामेटरी पाथवे मेडिकेशन मेडिकेटेड बाय एक्टिवेट कोगुलेशन प्रोटीन्स बाय अ डिप्रेशन ऑफ द प्रोटीन सी सिस्टम साइन एंड सिम्टम हिस्ट्री द सिम्टम डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन आर ऑफ्टन दोज अंडरलाइंग इनहेरिटिंग कंडीशंस ब्लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पिटचाई एंड इक्यूमाइसिस इंट्रावेस्कुलर लाइंस एंड कैथेटर ब्लीडिंग सर्जिकल साइट्स ड्रेन इंट्राकोस्टोमीज एंड विद इन वेरियस एक्टिविटीज रिनल फेलियर पुलमोनरी इन्वॉल्वमेंट डिस्प्लेसिया इमोस्टाइसिस एंड कफ एंड जॉन्डिस सिम्टम सर्कुलेटरी साइन इंक्लूड विद द फ्लोइंग साइन क्या क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज साइन में सबक्यूट ब्लीडिंग साइन ऑफ डिफ्यूज ऑफ लोकलाइज थ्रोम्बोसिस ब्लीडिंग इन टू सीरियस एक्टिविटीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइन इंक्लूड द फ्लोइंग नॉन स्पेसिफिक अल्टरेट कंस्टिट्यूशनस और स्टूपर ट्रांसप्लांट फीकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट कार्डियोवैस्कुलर साइन इंक्लूड फ्लोइंग हाइपोटेंशन टेकेकार्डिया सर्कुलेटरी कोलैप्स रेस्पिरेटरी साइन इंक्लूड द फ्लोइंग पल्यूरेट फ्रिक्शन रब साइन इन द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस ARDS GI साइन हेमोप्टेसिस और हेमेटोसीजिया जेनियोट्रोनिनी साइन इंक्लूड द फ्लोइंग साइन ऑफ द एजोटीमिया एंड रिनल फेलियर एसिडोसिस हेमोचोरिया ओलिगोरिया मेट्रोगेरिया यूट्राइन हेमरेज डर्मोलॉजिकल साइन इंक्लूड द फ्लोइंग पेटचाई जॉन्डिस लीवर डिस्फंक्शन ऑफ मेलाइसिस पर्परा हेमरेज एक्रेल साइनोसिस स्किन नेक्रोसिस लोअर लिम लोकलाइज इंफॉर्मेशन एंड जनरेशन वुड ब्लीडिंग एंड स्लिप डिप सेपरेटस हेमोटोसिस थ्रोम्बोसिस ब्लीडिंग एफेक्टेड पेशेंट कितना होता है 64 में रिनल डिस्फंक्शन कितना होता है 25 में हेपेटिक डिस्फंक्शन 19% रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन 16 स्ट्रोक में 14% एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से 2% डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है इसमें ए टिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हेपरिन इंक्लूड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा लिवर डिजीज प्राइमरी हिमो स्टेटिक डिसऑर्डर एग्जाम्पल डिसफाइब्रोजेनेमियस इनहेबिटर्स टू फैक्टर्स सेकेंड 5-10 थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोपेनिक पर्परा डायग्नोसिस प्लेटलेट मॉडरेट टू सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन प्रेजेंट DIC एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम PTR टिपिकल प्रोलॉन्ग प्रोटीन सी एंटी थ्रोम्बिन आर नेचुरल एंटी कोगुलेशन दैट आर फ्रीक्वेंट डिक्रीज DIC elevated levels D dimer and FDPS thrombomodulin is elevated and DIC marker RDD identification and monitoring DIC chronic DIC diagnosis when the cystocytes are seen consistent with the normal coagulation values and increased D dimer levels clinical condition of should be ruled out thrombocytopenia dilation and abnormal disconnection massive blood loss, massive infusion, ITP, TTP, as with HELLP syndrome, disorder of hemoptysis, liver disease, hypothermia, spurious laboratory result, diagnostic algorithm of SIRS, temperature above 38 degrees centigrade to 36 degrees Celsius, heat rate, heart rate about 90 beats per minute, respiratory rate above 20 breaths per minute, CO2 32 से mm से कम PWC काउंट 12,000 सेल्स से ज़्यादा एंड UL 10% इमेचर बैंड फॉर्म डायग्नोस्टिक लीविंग ये डायग्नोस्टिक जो है SIS जो ब्लड काउंट्स में करते हैं इसमें जो बोलते हैं टेम्परेचर हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट जो वाइटल साइंस सभी आ गए डायग्नोस्टिक
एल्गोरिथम में क्या आता है, सिस क्राइटेरिया, जैसे कि स्कोर दिए जाते हैं इसमें, प्लेटलेट काउंट कितना है, अगर सिर्स में अबाउट 33 है तो 1 score 0 to 1 0, प्लेटलेट काउंट अगर इतना है तो, अगर डिक्रीज है विद इन होर है, अगर डिक्रीज 24 होर है, अगर 120 से ज़्यादा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल वैल्यू पे है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या क्या है, अगर वो 1 to 1 ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से स्कोर, फाइब्रिन जो जमा हुआ है कितना है, अगर 25 से अबाउ या 10 से 25 की कम है या 10 से भी कम है तो ये डायग्नोस करते हैं 4 times or more। अब है ट्रीटमेंट, रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं इसमें, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कराते हैं, PPF, FFP, एंटीकोगुलेशन, अनफ्लेक्सुएनेट लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन, लेनापेरिड सोडियम, रिकॉम्बिनेंट पिरुडिन, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, रिकॉम्बिनेंट न्यूमेटोड एंटीकोगुलिन प्रोटीन, रिस्ट्रॉक्शन एंटीकोगुलिन पाथवे, एंटीथ्रोम्बिन, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेट प्रोटीन सी, अदर एजेंट्स, रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेशन फैक्टर 7, एंटीफाइब्रोइड एजेंट, एंटी सिलेक्शन एंटीबॉडी, रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 10, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी TNF एंड CD14। मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइन डिजीज, द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक फॉर्म डिसमिनेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन शुड बी प्राइमरी डायरेक्टेड बाय द अंडरलाइंग डिसऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मे बी कंसिडर्ड, प्लेटलेट DIC सीवर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन पार्टिकुलर इन पेशेंट ब्लीडिंग, इन पेशेंट एट रिस्क ब्लीडिंग, द पेशेंट अबाउ 1.5 नॉर्मल प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ FFP इंडिकेटेड, लो लेवल ऑफ फाइब्रोजन अबाउट 100 mg ऑफ डिलिक्स, हाइपोप्लाइसिसिया विल रिक्वायर इन्फ्यूजन, साइटोपिनिया द रिप्लेसमेंट 10 U साइटो प्रेसिपिटेट ओ एवरी 2 to 3 U एफ एफ पी सफिशियंट करेक्ट ऑफ हीमोस्टेसिस, इन केस ऑफ रिलेटिव विटामिन के डेफिशिएंसी इन फेस ऑफ कंजप्शन एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन के मे बी रिक्वायर्ड, एंटीकोगुलेशन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ सजेशन बाय द हेपरिन कैन बी लीस्ट प्रायोरिटी इन हैबिट ऑफ एक्टिवेटिंग कोगुलेशन इन केस ऑफ सेप्सिस अदर कॉज ऑफ DIC, हाउएवर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ हेपरिन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट आउटकम इवन द पेशेंट DIC हैज नॉट बीन इन द डेमोंस्ट्रेटेड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स, थेरापेटिक डोज ऑफ हेपरिन आर इंडिकेटेड कैन बी ऑब्जर्व थ्रोम्बोलिस डिजीज ऑफ फाइब्रिन डिपोजिशन प्रोबिनेट एंड प्रोपरा हीमोलिसिस एक्रिन, ए डोज ऑफ 4 to 5 UKG कंसर्व्स डिसफंक्शन विदाउट 80 UAG बोनस इन द सेम मीन्स ऑफ ड्राइव हेपरिन इन DIC विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ ब्लीडिंग रिस्क, डिस्ट्रॉक्शन एंटीकोगुलेशन पाथवे, एंटीथ्रोम्बिन कंसेप्शन, रिकॉम्बिनेशन ह्यूमन APS टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एंड रिकॉम्बिनेशन थ्रोम्बोनोडियम, एंटीफाइब्रोनेटिक ट्रीटमेंट इन द एंटीकोगुलोपैथी एसोसिएटेड विद एक्यूट पेरोमायोलाइसिटिक ल्यूकेमिया एंड सम ऑफ केसेस DIC सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज एग्जांपल प्रोस्टेट सार्कोमा, लाइजिंग एंड एनालॉग्स सच एज टेनामिक एसिड कैन बी यूटिलाइज्ड, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट्स टिश्यू फैक्टर वाई कॉम्प्लेक्स इंक्लूड एक्टिवेटेड फैक्टर 7 एंड 2 रिकॉम्बिनेंट निमोटेड एंटीकोगुलेंट पेप्टाइड। दिस टॉपिक इज कंप्लीट, DIC डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी नसों में थक्कों का जमना।